नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 जून से लेके 3 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइसिस यानी मीन राशि। रीडिंग में हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है और रिश्ते की आउटकम क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइसिस यानी मीन राशि। देखते हैं 26 जून से 23 जुलाई तक की, सॉरी 3 जुलाई तक की जो वक्त है उसमें आपका लव एंड रिलेशनशिप का क्या सिचुएशन रहने वाला है। पाइसिस, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ कप्स, आपके पर्सन थोड़ा दुखी है, इमोशनली वो थोड़ा कमजोर है। हो सकता है वो, उनके पास सब कुछ है फिर भी उनको ये लग रहा है कि उनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं एट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों वो इमोशनली खुश नहीं है, क्यों वो रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोच रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये जो रिश्ता जो है आपके साथ उनका, ये रिश्ता 24/7 उनको उनके दिमाग में रहता है। ये चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे इन्होंने किसी मेंटल जेल में चला गया है ये इंसान, इनको लगता है कि मुझे इस मेंटल जेल से बाहर निकलना चाहिए लेकिन फिर भी ये निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए वो रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया है उन्होंने कि वो आपके तरफ प्यार का संदेश लेके आएगा, आपसे ये कहेगा कि ये आपसे कितना प्यार करता है। हालांकि इनको पहले लग रहा था कि रिश्ते से ब्रेक लेना चाहिए, मेरा मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिश्ता है ये तो इनके दिमाग से कभी नहीं निकलता है, मतलब ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब उनको लगा कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। और फिर उन्होंने सोचा कि वो जो आपसे कितना प्यार करते हैं ये बोलने के लिए आपके तरफ आना चाहते हैं। यही उनकी करंट फीलिंग्स हैं। अभी देखते हैं करंटली आपका फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, करंटली आप क्या सोचते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप तो दुखी हो, परेशान हो, किसी चीज को अभी भी किसी बात को हो सकता है अपने सीने में लगा के घूम रहे हो, आपको वो आप भूल नहीं पा रहे हो, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, ये कहा था, वो कहा था, या फिर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो। देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप किस बात से परेशान हो, किस चीज़ को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो आप न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहे हो, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, सही वक्त में सही डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो आपको विक्ट्री मिले, आप इसीलिए दुखी हो, परेशान हो,
देखो, दुखी होने से, परेशान होने से कोई परेशानी का हल नहीं निकलता है, जिसके चलते आप रात को सो नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप इसी चुपचाप अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, हालांकि आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आप रुके हुए हो। आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, जो है जो उसके बारे में ना सोच के जो नहीं है आपके पास, क्योंकि आप जितना दुखी हो करेंटली, परेशान हो, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उतनी परेशानी तो है नहीं भाई इसमें। लेकिन आपको कि आसमान से दुख उतार के आप रो रहे हो, आप जो है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप जो नहीं है दूर की सोच आप सोच रहे हो, जो बाद में होने वाला है उसके इंतजार आप कर रहे हो, और आप विक्ट्री चाहते हो, आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप हो सकते हैं आपके रिश्ते में आपके बच्चे हैं तो आप विक्ट्री चाहते हो, बच्चों की माता पिता बनना चाहते हो, इस तरह की करंटली आपके सोच है। देखिए आपके पर्सन चाहते क्या है, द हायरोफेंट, ये जो पर्सन है मुझे लगता है ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, और आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है। हो सकता है भगवान इसमें ब्लेसिंग दे रहा है, तो वो अभी स्पिरिचुअल की तरफ जा रहा है ये इंसान। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वो नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत दिनों से उनका दिल टूटा हुआ था, ये दुखी थे, ये परेशान थे, इन्होंने इंतजार किया नई शुरुआत की, और वो अभी भी नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट के माध्यम से हो, कॉल हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये रिश्ता भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है कि ऐसे आए टूट गए झगड़ा हो गया, क्योंकि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, या फिर आप हो, आप दोनों में से कोई एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, और उनको लगता है कि ये रिश्ता भगवान का बनाया रिश्ता है, इसीलिए दिल टूटा है, टूटने के बाद भी ये इंसान एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, और इसके लिए गॉड से भी प्रे कर रहा है। देखते हैं आप क्या चाहते हो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी इंतजार कर रहे हो, आप भी चाहते हो मेहनत करना इस रिश्ते में, आप भी किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, और आप भी रिश्ते पे आना चाहते हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि अभी इंतजार करना ही सही है, क्योंकि पहले भी आपका कार्ड आया है इंतजार का, अभी आप इंतजार कर रहे हो। देखते हैं कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, आपको किस चीज का इंतजार है। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपको ये लग रहा है कि जो कुछ ऐसी बात है जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप अपने पर काम करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी भी तरह से, क्योंकि आपको लगता है भगवान आपके साथ है, आप जो भी चाहते हो भगवान आपको वो सारा चीज देगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है, और आप एक स्टेबिलिटी भी चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि कब इस झूठ की सच्चाई बाहर आए और आपको उनके बारे में सब पता चले, और आप जो चाहो इस रिश्ते में, अगर किसी किसी ने झूठ कहा है तो आप चाहते हो उस झूठ को बाहर निकलना। अभी देखते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, स्टेबल हो, काबिल हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, हर कोई आपको पसंद करता है। स्टार का कार्ड हील, दोनों को हीलिंग की जरूरत है। हो सकता है आप लोगों ने अपने रिश्ते को बैलेंस तरीके से नहीं चलाया होगा, तो अभी आप लोगों को रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। जो गलती आप लोगों ने किया है उस गलती से आप लोगों को सीख
रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने इस रिश्ते में बहुत गलती किए थे पहले। अभी आप लोगों को रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा और अपने अंदर से वो सारी जो गलतफहमी, परेशानी, ना समझी, ये सारी चीज़ों को आपको बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। अभी देखते हैं द स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ सोर्स, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आप लोग न्यू बिगिनिंग चाहते तो हो, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप लोगों को सारी चीज पता चल गया है। अभी आपके सामने सब कुछ क्लियर है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रिश्ते की सच्चाई क्या है। बहुत झंझट के बाद आप लोगों को सारी बातों की सच्चाई पता चल गया है। इसीलिए यूनिवर्स ही चाहते हैं जब आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे उससे पहले आप लोग खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो गलती आप लोगों ने किया है उस गलती से आप सीखो, दोबारा से ऐसा कोई भी गलती आप ना करो जो आप पहले किए थे। यहाँ बहुत नॉइज आ रहा है हमारे घर के बाहर, इसीलिए मैं गला फार फार के बोल रही हूँ। अब भगवान ही जाने आप लोग कितना सुन पा रहे हो। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको डर को जीतना पड़ेगा। आप लोगों को, आप लोगों में अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, रिश्तों पे काम करना पड़ेगा और अपना जो इमोशन आप जो छुपा के बैठे हुए हो एक दूसरे से, अगर दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो रिश्ते की नई शुरुआत करने की, रिश्ते में आने की, तो आपको अपना इमोशन पी के दिखाना पड़ेगा, अपने अंदर वो हिम्मत लानी पड़ेगी और इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। मतलब पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, रिश्तों पे मेहनत करना पड़ेगा और इमोशन को खुल के बाहर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे वो रिश्ता चाहिए और मैं मुंह बंद करके बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आप दोनों को ही रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा। और इस रिश्ते को चलाने के लिए जो पैसा, इमोशन, पावर जो चाहिए वो सारी चीज़ आप लोगों में होनी चाहिए और डिसीशन लेने की जो क्षमता है वो भी आपको अपने अंदर लाना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए।